गाइस अभी ये पुणे का हाईवे, ये फोर व्हीलर वाला हाईवे, तो आप लोग कोई भी देख सकते हैं यहाँ पर चेक बोर्ड लगा हुआ है कि आप लोग नहीं जा सकते हो, तो आप लोग ये बोर्ड को साइन बोर्ड को देख लेना कि यहाँ नहीं जा सकते हो। लोग कैसा आप करता, आप लोग अच्छे ही होंगे। सो गाइस अभी मैं आपको ट्रिप बता देता हूँ, एक सेकंड। अपने लोग ने करा लिए ताकि थ्री टू वन सिक्स फोर वन। सो गाइस लेट्स सी, चलते अपने लोग। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, फ्यूल फुल करा चुके हैं एकदम। तो हम लोग ये देखते हैं, आज 100 किलोमीटर की राइड है जाना और 100 किलोमीटर है आना, मतलब 200 किलोमीटर की अपनी राइड है। यहाँ से अपने लोग जा रहे हैं अलीबाग, तो वही अपना पीछे वाला हाईवे। तो हाईवे लेके पूरा एकदम वाटर प्रूफ हो चुके गाइस पहले ही, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो ही रही थी, तो इससे पहले हम लोग ने रेन कवर्स पहन लिया है। तो मैं और मेरा वही फ्रेंड है, तो अभी अपने लोग चलते हैं आगे और जैसा भी रहेगा बताते गाइस। एक चीज़ और कि मैं जैसा डाल रहा हूँ ब्लॉग, पहला तो जाने का पूरा वो बता देता हूँ कि कैसा जाते हैं हम लोग, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में पूरा एक्सप्लोर करता हूँ जो जगह मेन जगह होती है। तो ये सही लग रहा है आपको तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सही है कि नहीं ये चीज़। चलते अपने लोगों, देखते टाइम हो रहा है 1:40, 1:40 हो रहा है अभी। तो अभी हम लोग निकल गए और गाइस मौसम देख सकते हो आप, खतरनाक हो रहा है अभी। तो यही मौसम में तो गाइस राइड करने का मज़ा आता है। सुबह से सनलाइट निकली थी तो इसी वजह से मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा था, तो मैं बोला अभी नहीं जाऊँगा मैं, जब सनलाइट अच्छे से आ जाएगी एकदम तब मैं निकलूँगा। गाइस अभी कुछ आ चुके अपने लोग, ये बैक रोड है ना, अभी एक टर्नल आने वाला है, छोटा सा टर्नल है हम लोग के बैक रोड पे। तो यहीं से होते हुए हम लोग वाशी जाते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ यहाँ साइन लिखा है, मानपुर लिखा है, घाटकोपर लिखा है। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मानपुर, एक सेकंड दिख रहा होगा, वेलकम टू शिवाजी नगर। तो ये मानपुर का रास्ता गाइस, अभी हम लोग को यहाँ से जाना है राइट, तो राइट मार के फिर सीधा जाएंगे, तो जैसा भी रहेगा। तो गाइस अपने को ये राइड मारना है, सो गाइस अभी टाइम कुछ हो रहा है 2:14, 2:14 हो रहे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वाशी, आ चुके अपने लोग वाशी टोल प्लाजा पे। तो यहाँ फ्री देखे आपने एम्बुलेंस ऑटो और बाइक, ओपन आई
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. So guys, ये जो हाईवे है ना, ये एक्सप्रेस हाईवे है, मुंबई टू पुणे, मुंबई टू गोवा, ये एक्सप्रेस हाईवे. तो यहाँ ये हाईवे से ही सब जाते हैं, चाहे वो गोवा हो चाहे वो पुणे हो. तो ये हाईवे पे थोड़ा संभल के चलाओ आप लोग, सेफ ड्राइव करो, क्योंकि यहाँ पे ना गाइस बड़े बड़े लॉरी, बड़े बड़े ट्रक जो होते हैं ना, बहुत बेतुका गाड़ी चलाते हैं. क्योंकि मैं पहली बार तो आ रहा नहीं यहाँ पे, मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ, तो मैंने यहाँ के जो एक्सीडेंट देखे हैं ना, इससे पहले जो मैंने एक्सीडेंट देखा था गाइस, तो वो तो पुलिस वाले की गाड़ी को ही ठोक दिया था सामने वाले ने. तो आप लोग देखो जैसा ये है, तो आप लोग संभल के चलाएं गाड़ी, सेफ ड्राइव करें. टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग विद अलीबाग, तो चलते हैं वीडियो में, बने रहे आप लोग टाइमलेस के साथ. और गाइस मैंने एक का कमेंट पढ़ा था, तो उसके बोलने पे मैंने भाई एंगल अपना चेंज कर लिया हूँ, तो ज़रूर बताना एंगल अभी सही आ रहा है क्या. बने रहे वीडियो में. तो गाइस अभी हम लोग हैं खारघर में, टाइम कुछ हो रहा है, बज रहे 2:30 हो रहे हैं अभी, और अभी हम लोग खारघर पहुंच चुके हैं. तो गाइस खारघर जाने के लिए आपको यहां से लेफ्ट लेना पड़ेगा, ये ब्रिज जाने के लिए, ब्रिज देख सकते हो. अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पनवेल टोल प्लाजा, तो देख सकते हो पनवेल टैंक, ये पनवेल टोल प्लाजा पहुँच चुके हैं. तो अभी अपना रास्ता तो यहीं से सीधा, वहाँ से सब कार वालों का है, तो अपने लोग मैं वहाँ जा रहा था. हर टोल प्लाजा में वो साइड होता है ना गाइस, इसकी वजह से. तो पनवेल टोल प्लाजा अपन लोग पार कर चुके और तो गाइस अभी ये पुणे का हाईवे, ये फोर व्हीलर वाला हाईवे, तो आप लोग कोई भी देख सकते हैं यहाँ पर चेक बोर्ड लगा हुआ है कि आप लोग नहीं जा सकते हो. तो आप लोग ये बोर्ड को साइन बोर्ड को देख लेना कि हाँ नहीं जा सकते हो. नहीं, ऐसा नहीं कि आप अगर थोड़ी सी मिस्टेक करोगे तो आगे जाके आपको, क्योंकि हाईवे पर आगे पुलिस वाले रहते हैं, तो जब अच्छी आपको फाइन वगैरह भरना पड़ जाएगा, तो इससे अच्छा आप लोग पहले से ही सावधान रहें. तो चलते आगे. यहाँ पे खतरनाक बारिश, तो अभी वो तो जो हम लोग हाईवे से राइट वो सिग्नल से रहा है. ओ भाई यहाँ का रोड कैसा है यार, अरे यार यहाँ पे गिर ना जाऊं. तो जो सिग्नल से हमने राइट मारा, राइट मारने का सीधा आके वो तो सीधा गोवा जाता है, फिर वहां से हमने लेफ्ट मारा, लेफ्ट मारने के बाद फिर अभी यहाँ से राइट मार के ये हाईवे पे जाने लगता हम लोगों को. यहाँ का जो वेदर हो रहा है ना, ये टाइम पे हल्का हो रहा है, मजा ही आ रहा है. सामने वो पहाड़, ये एकदम यहाँ पे ये पटरी है, यहाँ बाहर मतलब ट्रेन से भी जा सकते हैं ना पहली बार, तो मजा ही आ रहा है भाई. किलोमीटर दूर, मतलब यही सीधा जाना है. तो बने रहे वीडियो पे आप लोग. और सामने देख सकते हो आप पहाड़ ऐसा दिख रहा है, और पहाड़ के ऊपर जैसे एकदम पूरा फॉग फॉग दिख रहा है पूरा सब जगह.
तो हम लोग कुछ ऐसी जगह पर पहुँच चुके, जगह तो नाम नहीं मालूम, पर जो भी है गाइस बड़ा ही मस्त जगह है। तो गाइस अभी थोड़ी कमर टेढ़ी हो गई है उसके लिए खड़े। यहाँ पे भी कोई टोल प्लाजा बन रहा है अभी, और ये चेक करें आप सभी, फुल एकदम वादियाँ, एकदम खतरनाक सीन आ रहा है। अभी निकल गई है सनलाइट, और ये एकदम पहाड़, और ये टोल प्लाजा कोई बन रहा है। अभी हम लोग टाइम हो रहा है कुछ गाइस 4 बज रहे, और अभी तक हम लोग अलीबाग पहुँचे नहीं है, क्योंकि आपको पता है गूगल मैप ना शुरू से लेके जहाँ तक का रहता है वहाँ तक का सही लाता है, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, उसको क्या बीमारी हो जाती है कि वो पता नहीं कहाँ लेके चले जाते हैं। तो चलते ही अभी क्या नाम है, मैप जैसा बता रहा है वैसे चल रही है, और अभी पूछ, अगर यहाँ से नहीं होगा तो किसी से पूछ लेंगे, और आपको तो पता ही है मुंबई का वेदर का कुछ समझ ही नहीं आता है, कभी एकदम ही कड़क सन लाइट आ जा रही है, तो कभी एकदम ही तेज बारिश हो जा रही है। गाइज ये जगह चेक करो आप। तो गाइज मैंने बना रही है रील, अभी यहाँ से कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर दूर है, तो बचा है थोड़ा सा दूर, चलते अभी। तो गाइज रील ज़रूर देखना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा तो मेरा इंस्टाग्राम का चैनल यहाँ पे आ रहा होगा। अभी टाइम कुछ 4:09 हो रहे, तो बने रहे वीडियो में गाइज, बहुत ही मज़ा आ रहा है राइड करके, चलते एंड देखते। अब ये रास्ता देख रहे हो जी, एकदम और सीधा बीच से रास्ता जा रहा है, वो भी ऐसा नहीं कि रास्ता सीधा है, ऐसा लीन आ रहा है, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी ऊपर ब्रिज आ रहा है, मज़ा आ रही है यार एकदम, देख सकते हो। मैं रील ज़रूर पोस्ट करूँगा इधर की, अब मैं हर चीज़ की रील ज़रूर पोस्ट करूँगा। अलीबाग 8 किलोमीटर है, मांडवा ब्रिज ऐसा करके लिखा है, मांडवा बीच चौपाटी वो और आगे 8 किलोमीटर। और यहाँ की लीन देखो, काश मेरे साथ मेरा ग्रुप आता यहाँ पे, तो वो लोग जब लीन मारते मारा है। So right.
का आएगा 2 टर्न आपको, एक लेफ्ट एक राइट। तो अपने को जाना है सीधा, तो आप लोग जो अलीबाग के लिए जाएगा वो सीधा ही जाना है यहाँ से, ताकि आपको वो ना होए। और ज़्यादा दूर नहीं, कुछ 5-6 मिनट का रास्ता बचा है, अलीबाग आने वाला ही है। तो अच्छा लगा गाइस लंबी राइड करके, और सब बताता हूँ मैं भी आपको, चलते हैं अपने लोग पहले। तो वो आ गए, 4:40 हो रहे हैं और अभी हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं अलीबाग। तो ये आ चुके पूरा अलीबाग, और अभी तो अभी अपने लोग कहीं लगाते हैं पार्किंग अच्छी जगह देख के। तो गाइस अभी आपको अभी अपने लोग मिलते हैं अंदर। आ चुके फाइनली गाइस, बहुत ही मज़ा आ रहा है यार। तो देख सकते हो आप अपने पीछे बच्चे लोग नहा रहे, तो मज़ा आ रहा है यार। थोड़ा कैसा है, थोड़ा अलग टाइप में। इसके आगे अलीबाग के आगे है मड आइलैंड ऐसा करके, पीछे मड चौपाटी और कुछ बहुत सी चौपाटी, नाम तो मालूम नहीं बट है बहुत सी जगह। एक टाइमलेस ले लेते बढ़िया वाला, फिर चलते हैं। हाय तो कर दो अंकल।